सो गाइस अब मिलते हैं प्रणव भैया से। हेलो, वी बोथ आर ऑल सेट टू अटेंड द इवेंट और हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है ना भैया। और एक्साइटेड वो भी क्यों ना भाई, आखिर हमारा पहला अवार्ड शो है। हाँ, तो यार अवार्ड शो पहला है इसलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा हम लोग यू नो एक्साइटेड है और ये जानने के लिए तो और भी ज्यादा एक्साइटेड है कि वहाँ का कैसा माहौल होगा और मतलब क्या होगा वहाँ पे, वो रेड कार्पेट, वो मतलब वी आर रियली एक्साइटेड। इनके एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हो कितने ज्यादा हम लोग एक्साइटेड है उस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग तैयार होते हैं क्योंकि हम लोग तैयार अभी हुए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पाने की हो आस आस। सो गाइस वी आर ऑन अवर वे और थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं चौड़िया मेमोरियल हॉल जहां पे हमारा इवेंट होने वाला है। और सो लेट्स सी व्हाट वी गेट देयर एंड हाउ मच वी एंजॉय। सो वी आर ऑन द वे टू चौड़िया मेमोरियल हॉल। एज यू कैन सी कि हम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और मुझे यकीन है कि आपको भी वहाँ का माहौल देखने के बाद बहुत अच्छा लगने वाला है और हम भी इसी उम्मीद के साथ वहाँ जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौड़िया मेमोरियल हॉल जहां पे हमारा ये अवार्ड फंक्शन इंडियन फिल्म हाउस नेशनल अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी एक्साइटमेंट अब बढ़ चुकी है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस हॉल को बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये गिटार के शेप में इस पूरे हॉल को बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है और जितने भी एक्टर्स फिल्म मेकर्स जिनकी शॉर्ट फिल्म यहाँ पे नॉमिनेट हुई है सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन्हीं में से एक बहुत ही खास इंसान जिनके साथ हमने एक सेल्फी ली है उनसे आपको मैं मिलाना चाहूँगा। ये है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, मैं बता दूँ ये कौन है। जैसे कि छिछोरे मूवी आप सभी ने देखा होगा उसमें एक कैरेक्टर था क्रिस क्रॉस जो कैरेक्टर था उसको इन्होंने ही प्ले किया था। तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई और बहुत ही हमें अच्छा लगा उनके बारे में जान के। मैं आपको कुछ अपने नए दोस्तों से मिलाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रदर आपकी कौन सी शॉर्ट फिल्म है? इत्तफाक ऑन यूट्यूब। सो ब्रदर व्हाट्स योर नेम? परदीन। यू ऑल आर फ्रॉम मुंबई? यस। अमेजिंग। अब मुझे लगता है कि यू नो जैसा कि सुनने में आता है कि मुंबई में ही जो है रियल टैलेंट्स एक्टिंग को लेके, वैसे तो सभी जगह टैलेंट्स होते हैं बट मुंबई एक कहा जाता है यू नो क्या कहते हैं सपनों का शहर की नगरी, सपनों की नगरी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं वो सपनों की नगरी से यहाँ पे सब सपने लेकर आए हैं। और मैम यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस। So ma'am is looking so pretty and you can see all the guys are you know means mujhe yaar lag raha hai ki yaar kyun main yahan aaya. So all are looking perfect and I hope I wish you all the best. मुझे लगता है आप सब भी हमारी तरह बहुत excited होंगे आज के इस event के लिए। Say bye bye to my viewers. Bye. Thank you. सो गाइस है वी आर और अभी हम लोग यू नो फोटोशूट के लिए वेट कर रहे हैं और जैसे कि आप प्रणव भैया को देख सकते हैं उस तरफ देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हम तो एक्साइटेड है जैसे कि हम बता चुके हैं आप सभी को। गाइज वो टाइम आ गया है जब हम हॉल में जा रहे हैं जहाँ पे ये अवार्ड सेरेमनी होने वाला है। एंड यू कैन सी जो पास है हम लोगों का। सो हियर वी गो, चलते हैं हम लोग ऑडिटोरियम के अंदर और देखते हैं कि स्टेज कैसा है, अंदर प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं और क्या क्या इंतज़ाम किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे यू कैन सी द बॉडी ऑफ सर, अमेजिंग बॉडी।
सो मैं यहाँ यू नो तब से बैठा हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद ना मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ लोग बात क्या कर रहे हैं. एंड ऑनेस्टली यू नो फर्स्ट टाइम आई एम बीइंग सराउंडेड बाय सच एन अमेजिंग एक्टर्स. सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला उसकी वजह से. तो कर्नाटका साउथ इंडियन लैंग्वेजेस तो आपने बहुत सुन लिया है, तो अब मैं कुछ बंगाली में कुछ गाना चाहता हूँ. And I hope you like it. It's a very beautiful song which motivated me a lot. So, वो गाना है. जोधी क्यों दाशुने क्यों ना से तो मैं एकला चलो रे. जोधी क्यों कथा ना कोई ओरे ओरे दूर हटा से क्यों कथा ना कोई तो मैं एकला चलो रे. एक बार तालियां हो जाए मेरे लिए. एंड एज एन इंडियन, एज एन इंडियन हूं और आई एम प्राउड ऑफ दैट. सो कुछ लाइनें मैं हिंदी में भी कहूंगा कि सपनों को रखो अपनी सांसों में, मंजिल को रखो अपनी बाहों में, हर जीत तुम्हारी होगी या दोस्त, हर जीत तुम्हारी होगी या दोस्त, बस अपने लक्ष्य को रखो अपनी निगाहों में. और इंडियन हो गया, बंगाली हो गया और मैं एक्टर, एज एन एक्टर यहाँ आया हूँ, तो कुछ थोड़ा सा एक मोनोलॉग मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगा. और वो मोनोलॉग है हैदर मूवी का. कितने सारे लोगों ने हैदर मूवी देखा है? ओह ग्रेट ग्रेट. सो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो 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 हेलो. UN Council Resolution Number 47 of 1948, Article 2 of Bangkok Convention, Article 370 of UN Constitution. But hey, Sharu Bhattai, but hey, हम हैं क्या हम हैं? हम हैं तो हम कहाँ हैं और ये तो कहाँ गए? हम हैं तो किसकी ओर कहाँ गए? तो कब? जनाब, हम थे भी कि हम थे ही नहीं. चुस्पा हो गया है हमारे से. चुस्पा जानते हैं आप लोग? और वो जो यू नो जो किडनैपर था वो वापस दूसरे अकाउंट में जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे एक नया अकाउंट खुलाना है. लॉ एंड ऑर्डर, 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 ना लॉ है और ना है ऑर्डर, जिसका लॉ है उसका ऑर्डर. इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर, अब ना छोड़े हमें हिंदुस्तान, ना छोड़े हमें पाकिस्तान. अरे कोई हमसे भी तो पूछे कि हम क्या चाहते हैं? आजादी इस पार भी लेंगे, आजादी उस पार भी लेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे आजादी. थैंक यू सो मच. एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिस वॉज नॉट अ कॉल फॉर क्रिएटिंग एनी कॉन्ट्रोवर्सी, दिस वॉज जस्ट अ मूवी एंड दिस वॉज फॉर जस्ट एन एंटरटेनमेंट पर्पस. And thank you so much, Indian Film House, for providing us such an amazing, amazing platform for coming here and experiencing this amazing environment. Thank you so much. We have the team right here. I request you to wait for some time. Team Ray has won first place under the category Best Social Awareness Film. Good evening. Thank you so much, Indian Film House, that it give us such a awesome opportunity. और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें ये अवार्ड मिला. और हमने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे. सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ तक पहुँचे. और थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म हाउस. थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म हाउस. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक वन पर्सन. Thank you so much, Dad, for sending me here.
और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। और मैं बस यही कहूँगा कि मैं यहाँ आया था जो ये आप देख रहे हैं रेप वीडियो का अवार्ड लेने के लिए, और साथ ही में मुझे ये भी मिला भगवान की ब्लेसिंग के वजह से। तो थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म हाउस फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंगस्टर, एंड थैंक यू सो मच, वी आर सो प्राउड। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो अवार्ड सेरेमनी है वो उसका एंड हो चुका है, और हमने यहाँ पे दो ट्रॉफी और एक मेडल, जैसे कि आप देख सकते हैं, कहाँ गया मेडल, मेडल दिखाइए प्रणव भैया, मेडल इज हियर, सो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो अवार्ड है और सर्टिफिकेट है प्रणव भैया को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, और जो ये आप मेडल देख रहे हो ये रेप जो हमने वीडियो बनाया था नो मोर शील्ड ऑफ रेपिस्ट उसके लिए भी मिला है, और ये जो है ये मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फर्स्ट अवार्ड। तो कैसा लगा आप प्रणव भैया आपको अवार्ड का? बहुत ज़्यादा अच्छा, मीन्स दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट मेमोरेबल एंड द मोस्ट अमेजिंग डे ऑफ माई लाइफ टिल टुडे फॉर मी टू। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल था, और बहुत ही यू नो टैलेंटेड आर्टिस्ट आए थे यहाँ, तो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस हमें मिला। और जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड जो है, ये जो मोमेंटो आप देख रहे हो, ये एक वहाँ पे फंक्शन हुआ था, यू नो एक एक्टिविटी कराया गया था, कुछ लोगों को बुला करके उनसे एक्टिंग करवाया गया था, तो उसमें मुझे ये एक्स्ट्रा अवार्ड मिला, ये मुझे पता नहीं था कि ये अवार्ड भी मुझे मिलेगा। दिस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। या तो थैंक यू कहिए प्रणव भैया मुझे एक बार और। थैंक यू। तो थैंक यू नहीं, सॉरी, कांग्रेचुलेशंस यार, क्या मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? जाके इलाज कराओ। सो थैंक यू सो मच प्रणव भैया। और मैं कहना चाहूँगा कि लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था, और मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए थे यहाँ पे, सारे लोग अच्छे थे, कोई सिनेमाटोग्राफी में अच्छा था, कोई एक्टिंग में अच्छा था, कोई डीओपी में अच्छा था, मींस हर लोग अच्छे थे, हर लोगों से हमने बात की, मतलब इट वाज फुल ऑफ यू नो वी हैड अ ब्लास्ट टुडे एंड वी रियली यू नो फीलिंग सो गुड आफ्टर अटेंडिंग दिस अमेजिंग फंक्शन, एंड आई होप कि आज तो पार्टी होगी, है ना? बिल्कुल, तो हम जा रहे हैं वापस होटल रूम, और वहां जाके आज हमारी पार्टी होने वाली है। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं।